हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक दूसरे वेयर हाउस के प्रोजेक्ट पर आए हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एक हमारा पहला है, और फिर ये वाला जो बनने वाला है ये है भी दूसरा है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे वर्क है यहाँ। तो आज हम लोग इस वेयर हाउस में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमन, मतलब हर एक बिल्डर या फिर हर एक कॉन्ट्रैक्टर करता है, ठीक है। तो अभी आज हम लोग सिविल की गलतियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो मैं आपको बताऊं बोल्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो पीवी के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें बोल्टिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो और साथ ही साथ सिविल स्ट्रक्चर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये देखिए, ये एक हमारा कॉलम है। अब इस कॉलम में आपको क्या मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल्टिंग के पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल्टिंग के अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें जो अगर सिविल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक मेन गलती बात बताऊँ जो कि सही नहीं होता है, वो है ये जो कॉलम्स के बार हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये 2 इंच 3 इंच, ठीक है। और मैं अगर और फुटिंग दिखाऊँ आपको, जैसे कि उधर के आप देखिए और दिखाऊँगा मैं, तो वहाँ पर ये कॉलम के जो मेन बार है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर मतलब कि छोड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब कि जब भी जो भी यहाँ पर इंजीनियर काम कर रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, तो जो भी इंजीनियर काम कर रहा होगा उसने यहाँ का BBS बार बेंडिंग शेड्यूल या फिर जो कटिंग लेंथ होता है वो प्रॉपर नहीं दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा जो स्टील है वो ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस स्टील को सरफेस से फ्लश करके काट देंगे। अगर मैं कोई दूसरा कॉलम दिखाऊं, ठीक है, उस तरह ये काट देंगे, और काटने के बाद इसी तरह छोड़ देंगे। तो हुआ क्या कि हमको जो स्टील का जो कवर होता है, जिसको कवर ब्लॉक बोलते हैं, वो अपने को प्रॉपर नहीं मिला। ऊपर से तो हमने जस्ट कंक्रीट के जो TOC होता है, टॉप ऑफ कंक्रीट होता है, उसके लेवल से हमने कट कर दिया, लेकिन कोरोजन तो वहाँ से भी जा सकता है। आफ्टर ऑल हम अगर कवर ब्लॉक लगा रहे हैं तो कोरोजन के लिए लगा रहे हैं ना। तो अगर ये देखिए, ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े बार छोड़े हुए हैं, और एक तो वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक गलती जो कॉमन में, मतलब मैक्सिमम वेयर हाउस में देख रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ लोग कर रहे हैं। अब दूसरा एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि बीम को हाफ़ कास्ट किया है, ठीक है। और हाफ़ कास्ट करने के बाद जब इसका फ्लोरिंग होगा, ठीक है, ये जो अपना पूरा वेयर हाउस का जो फ्लोर बनाएंगे, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग जो भी बनेगी, तो इससे क्या करेंगे कि उसका जो बार्स है स्लैब का, वो इस बीम में लाकर टाई कर देंगे, ठीक है, और स्लैब कास्ट करेंगे। जनरली देखा जाए तो मैंने जो मैक्सिमम साइट देखी है या करवाई है, उसमें डॉवेल्स बार छोड़े जाते हैं, और डॉवेल्स बार छोड़ने के बाद जो हमारा स्लैब का जो भी यहाँ पर स्टील आएगा, मतलब पूरा रेनफोर्समेंट आएगा, वो हम उस डॉवेल्स बार के साथ कनेक्ट करते थे। यानी यहाँ पर इन्होंने एक मतलब कि पूरा बार्स को ला के बीम पर जाकर रेस्ट कर देंगे, और जब कास्टिंग करेंगे तो पूरा एक साथ कर देंगे। तो देखिए, तो ये जो हमारा जो बीम कास्ट हो रहा है, ये 2 लेयर में कास्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2 लेयर में बीम कास्ट नहीं करना चाहिए, अगर क्योंकि जो डिज़ाइनर है उसने जो बीम को जो डिज़ाइन किया है वो मोनोलिथिक डिज़ाइन किया है, मतलब एक साथ डिज़ाइन किया। अगर 400 का डेप्थ है तो उसने 400 के लिए ही डिज़ाइन किया है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 100 mm 150 mm जो भी हमारा स्लैब का थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हमने बीम के जो टॉप से उतना कॉन्क्रीट छोड़ दिया है कि हम सेकेंड लेयर में कर देंगे। जब भी हम इसका फ्लोर डालेंगे तो फ्लोर के जो बार्स हैं वो हम बीम में जाके रेस्ट करा देंगे, और हम इधर साइड से शटरिंग लगाकर हम इसको पूरा स्लैब कास्ट कर देंगे। के लिए यहाँ पर देखिए शीयर की वगैरह भी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मतलब शीयर की क्या होता है, मतलब कनेक्टिविटी के लिए, मतलब जैसे हमारा ओल्ड टू न्यू कंक्रीट जब भी करना होता है, या फिर जैसे अगर ये कॉलम हमारे यहाँ से ऊपर उठना है तो यहाँ पर शीयर की छोड़ना चाहिए था, जिसको हम मतलब कि थोड़ा सा रफ करना बोलते हैं, रफ कर दीजिए, या फिर एक दो एग्रीगेट, थोड़ा बड़े साइज़ के एग्रीगेट वहाँ पर उसको लगा दीजिए, या थोड़ा सा हल्का सा मतलब कि वहाँ से कॉन्क्रीट हटा लीजिए, ताकि जब भी नया कॉन्क्रीट बने तो उसमें अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए ओल्ड टू न्यू कॉन्क्रीट की। तो बीम में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो स्लैब के केस के लिए अच्छा हो रहा है, बीम के केस के लिए बेकार हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक और मिस्टेक बताऊं, तो ये देखिए, ये हमारा आप जो देख रहे हैं कि हर जगह ऐसा ही बनाया गया है, वहाँ पर भी। अब ये फ्रेम क्या है, ये फ्रेम है ओपनिंग के लिए, मतलब यहाँ पर जब भी कोई ट्रक आएगा तो ट्रक पर एक रैंप बनेगा, ठीक है, उस रैंप से इस गोडाउन के अंदर मतलब कि क्या बोलेंगे, आना जाना चलेगा, ठीक है। ट्रक तो एकदम चिपका के खड़ा कर नहीं सकते, थोड़ा सा दूरी रहेगा वो, तो उस चीज़ के लिए किया है। अब इसका देखिए, रैंप को यहाँ से जब कनेक्ट करेंगे बीम में,
कोई डॉवल्स बार नहीं छोड़ा गया है, इसके ऊपर एक स्लैब आनी है, उसके ऊपर भी कोई सीयर की नहीं छोड़ी गई है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो मतलब कि वेयर हाउस में शायद ध्यान नहीं दी जाती, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर हम सबको ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई गलतियां ना करें। देखिए, अगर BBS इसका प्रॉपर बनाया हुआ होता तो हम काफ़ी सारे स्टील बचा सकते थे, ठीक है। अब ये सब ये आप जो देख रहे हैं ये एक बार कट चुके हैं, ये दोबारा कटने के लिए, एक बार जिसको काटने को बोला गया तो उसने फिर 4-4 इंच करके छोड़ दिया। मैं अगर उस साइड दिखाऊं आपको, उस साइड करीब नहीं तो 1-1, 2-2 फीट के स्टील छोड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, अब पता नहीं किसने कॉलम डिज़ाइन किया है कि देखिए इसमें इतना बड़ा कॉलम है और 10 के बार्स दिया है, वो भी 5, या तो छठवा नीचे ही दबा दिया बीम पर या तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इतने बड़े कॉलम में ये भी कॉलम 10 फीट जाना है, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा कोई लोड नहीं है, लेकिन कॉलम की साइज़ को छोटा कर सकता था या तो 6 बार्स दे सकता था। अब ये ड्राइंग तो सिविल का वर्क हमारा नहीं है तो मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स हैं इसमें, ठीक है। और मिस्टेक देखेंगे तो वो सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि हुक अच्छे से नहीं दिया हुआ है या स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है या कन्फाइनिंग जोन मेंटेन नहीं किया गया है, तो ऐसी कुछ गलतियाँ हैं। तो आई होप अगर आप लोग किसी साइट को सुपरविज़न करेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इन सब चीज़ से अपनी कंपनी का बेनिफिट करेंगे, और जिसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उसका जो प्रोजेक्ट की लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहेगी अगर ऐसी कुछ फोकट की मिस्टेक ना हुई तो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता है अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।